और मेरी मेरे द्वारा विदेश भेजने का काम होता है जो लोग यहाँ समुचित रूप से बेरोजगारी होता है जिनके पास रियलिटी में कोई काम नहीं होता है तो उसके लिए विदेश में जैसे सऊदी अरब हो गया दुबई हो गया ओमान हो गया कतर हो गया बहरीन हो गया ऐसे ऐसे देशों में उनको रोजगार दिलाने का हम काम करते हैं सर ये तो बता इनका जाने का क्या क्या प्रोसेस है वहाँ जाते जो इसमें पहला राउंड में आपका जो काम होगा तो पासपोर्ट का काम होगा तो पासपोर्ट का जो आपका ऑफिस रहेगा बिहार लेवल पर वो अभी छोटी छोटी शाखा जैसे भागलपुर हो गया अररिया हो गया मधेपुरा हो गया इन इन सब चीज़ों पर दिया गया है अगर उनसे बड़ी लेवल पर जाते हैं तो इनका एक पासपोर्ट केंद्र है पटना में जो आशियाना मोर्ग के संबंधित है तो यहाँ क्या होता है कि पासपोर्ट बनाने का काम होता है अगर आप पहली बार पहली बार बना रहे हैं तो इसको ऑनलाइन करना होगा उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगा उस डेट पर आप जा आप जाएंगे उसके बाद आप का पासपोर्ट बनेगा वहाँ पर चलिए ठीक है सर कितना मान लीजिए कोई भी देश जाना हो जैसे मान लीजिए सऊदी अरब जाना वहां जाने के लिए सर क्या गारंटी होता है मतलब कौन से काम करेगा मतलब यहाँ करना पड़ता है क्या देखिए इसमें अ, अगर काम की बात करें तो एक होता है एम्बेसी ऑफिस जो भारतीय दूतावास होता है तो वहां से हम लोग पासपोर्ट वेरीफाई करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि भारत सरकार के पास जो व्यक्ति जाता है तो उसका रिकॉर्ड हो जाता है और उसके बाद काम की अगर बात करें तो जो लोग यहाँ काम जानते हैं तो उनके लिए एक इंटरव्यू होता है तो उसका डेट निकाला जाता है तो उस डेट पर अगर कोई लड़का जाना चाहता है तो वहाँ उनका इंटरव्यू होता है तो उसका एक सिलेक्शन लेटर बनता है वही सिलेक्शन लेटर फिर कम जो उनके आदमी रहते हैं संबंधित कंपनी के तो वो भेजते हैं अपना कंपनी को मेल कि इस लड़का को मैंने सेलेक्ट किया है तो इनको बुलाया जाए फिर उधर से मेल आता है तब इन लड़का का मेडिकल वगैरह होकर के उसका फाइनल लिस्ट बन के तैयार होता है आप कौन कौन से सर देश भेज सकते हैं यहाँ सब बैठे बैठे यहाँ तो ऑल कंट्री के लिए काम हो रहा है अभी जैसे हो गया सऊदी के लिए दुबई के लिए बहरीन के लिए उसके बाद कुवैत के लिए ये सब सारे चीज के लिए काम हो रहा है मलेशिया वगैरह सब लड़के को भेज रहे हैं और सटीक तरीका से भेजते हैं भेजते हैं तो सर बताएगा कम से कम हेल्पर अगर वहां जाता सर अपने देश छोड़कर वहां जा रहे हैं तो वहाँ सर कितना कमा सकता है हेल्पर अब बेरोजगार को रोजगार दे के वहां भेज रहे हैं कितना कमा सकता है हेल्पर अगर रियलिटी uh, में बात करें कि हेल्फर वहाँ क्या कमाता है तो भारत और अदर देश के अलावा तो दोनों सेम सेम ही है लेकिन समस्या ये है कि भारत में कंटिन्यू काम नहीं होता है जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति गिरते नज़र आ रहा है और वहाँ क्या होता है कि कंटिन्यू काम करना पड़ता है कंपनी में तो उनको महीना बाय महीना सैलरी मिलती है तो वहाँ के रियाल में चलता है सऊदी हो गया दुबई हो गया तो ये सब डॉलर रियाल होता है तो वहाँ वही आठ सौ से नौ सौ या एक हजार रुपया बेसिक सैलरी होती है आ, अगर उसको इंडिया में कन्वर्ट कर दिया जाए तो अभी बाईस की रेट चल रही है एक रुपया का बाईस रुपया तो वही बाईस हजार तेईस हजार रुपया आठ घंटे को उनको मिलेगा एक हजार सैलरी पर हाँ उसके बाद उसमें क्या सिस्टम होती है वहाँ महीना के चार दिन छुट्टी होती है तो अगर छुट्टी के दिन भी काम कर लिया तो उनको अलग से पैसा दिया जाता है और बाकी ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम दो से तीन घंटा प्रत्येक कंपनी में चलती है जिससे को वहां 25 से 30 खाना इसमें तो जनरली कम ही खर्च पड़ता है लेकिन आगे जो काम लोग करते हैं तो उनका एक ऑफिस होता है बड़ा बड़ा ब्रांच होता है उसमें लोग स्टाफ के रूप में काम करते हैं तो उन सबको सैलरी दिया जाता है तो ऐसे एक बंदे पर साठ से सत्तर हजार खर्चा जाता है, है मतलब माले, हजार सर इसमें होता क्या है तो उसमें आ, अ, मेडिकल आपको बोलेगा कराने के लिए जब मेडिकल वगैरह हो जाएगा आपके नाम से वीजा वगैरह इशू जब हो जाएगा तो उसमें बीस हजार बीस से पचीस हजार आपको जमा करना होगा फिर टिकट कराते समय आपको कुछ पैसा दे करके और उसके बाद ऑफिस में फाइनली पैसा जो रेट में आपसे बात हुआ है साठ या पैसठ या सत्तर तो उतना पैसा दे करके आप वहाँ जा सकते, सकते। हैं तो मतलब क्या कहना चाहेंगे सर सर पब्लिक को जो बेरोजगार है यहां आएगा तो मतलब सर आप उनको क्या एड्रेस बताना चाहेंगे तो उनके लिए खुला ऑफिस है मेरे आ, मेरा खुला ऑफिस है ए वन काउंसलेंट है आ, उनके लिए ऑफर भी रहेगा जो बाहर से आएंगे जैसे मेरा अभी ऑफिस हो गया भागलपुर जिला के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत पचगछिया गाँव में तो अगर यहाँ कोई आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आएंगे तो उनके लिए मेरा स्वागत रहेगा और उसके बाद क्या है उनको कम रेट में और चीफ रेट में सही कंपनी में भेजा जाएगा बहुत तो बहुत धन्यवाद आप तो वन कंसलेंट वीजा पासपोर्ट ऑफिस में आइए और कम से कम बजट में आप देश विदेश जा सकते हैं हो सकता है इस वीडियो को आप लोग अगर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जय हिंद